हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉक पे। आज का ये वीडियो है आईपीएल फॉरगॉटन हीरोज का एपिसोड 1 और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2012 फाइनल के हीरो मविंदर बिस्ला के बारे में। सो किस तरह का रहा है मविंदर बिस्ला का करियर, किन किन आईपीएल टीम्स के लिए वो खेल चुके हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो से। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस ना कर पाए। मविंदर बिस्ला का जन्म 27 दिसंबर 1984 को हरियाणा में हुआ था, लेकिन हरियाणा के लिए उनको ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने ज्यादातर डोमेस्टिक मैचेस हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के रणजी टीम के लिए खेला। 2002 में बिस्ला का सिलेक्शन इंडिया अंडर 19 टीम में हुआ और इंडिया अंडर 19 वर्सेज इंग्लैंड अंडर 19 टीम के बीच हुए एक टेस्ट मैच में बिस्ला इंडिया के स्टैंडिंग कैप्टन भी थे। आईपीएल करियर की बात करें तो डेकन चार्जर्स ने 2009 में सबसे पहले बिस्ला को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन वो डेकन चार्जर्स के लिए कोई भी मैच नहीं खेल पाए, हालांकि डेकन चार्जर्स उस साल चैंपियन बनी थी। 2010 में बिस्ला किंग्सलैंड पंजाब टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिस्ला को अपनी टीम में साइन किया और फिर आया 2012 का वो फाइनल मैच जब मविंदर बिस्ला को ब्रेंडन मैकेलम केकेआर की तरफ से खेलने का मौका मिला। आईपीएल का फाइनल मैच और सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दो बार की चैंपियन टीम और केकेआर को मिला था 192 का टारगेट। एक समय पर जब केकेआर का टीम मुसीबत में नजर आ रहा था तब बिस्ला ने जैक कैलिस के साथ मिलकर 145 रन का साझेदारी किया और बहुत ही कमाल का बैटिंग किया। स्पेशली जिस तरह से मविंदर बिस्ला ने चेन्नई के स्पिनर्स को खेला वो काबिले तारीफ था। बिस्ला की 89 रन की शानदार पारी के वजह से केकेआर आईपीएल 2012 फाइनल जीता। उसके बाद आईपीएल 2013 में भी केकेआर टीम ने बिस्ला को मौके दिए, लेकिन बिस्ला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। आईपीएल 2014 में भी केकेआर टीम का हिस्सा थे बिस्ला, लेकिन उनको ज्यादा मौके नहीं मिले और 2014 में भी केकेआर ने आईपीएल जीता। उसके बाद 2015 में बिस्ला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेले और वो उनका आखिरी आईपीएल सीजन था। उस सीजन भी बिस्ला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और उसके बाद आने वाले सीजन्स में बिस्ला अनसोल्ड रहे। ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो बिस्ला ने 39 मैचेस खेले जहां पे 21 के एवरेज और 113 के स्ट्राइक रेट के साथ बिस्ला ने 798 रन बनाए। करेंटली बिस्ला गोवा टीम के लिए रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं। कहीं ना कहीं बिस्ला एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज रहे हैं, स्पेशली आईपीएल में उन्होंने कई बार अपने टैलेंट का परिचय भी दिया, लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंटली मविंदर बिस्ला अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं रख पाए इसीलिए वो आईपीएल में ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाए। इसके अलावा जिस टाइम पे मविंदर बिस्ला ने खेलना स्टार्ट किया उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी के अलावा और किसी इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन को इमेजिन नहीं किया जा सकता था और इसीलिए कहीं ना कहीं बिस्ला को इंडियन टीम में भी मौका नहीं मिला। लेकिन बिस्ला ने जिस तरह की पारी 2012 आईपीएल फाइनल में खेली वो कोई भी केकेआर फैन नहीं भूल सकता और बिस्ला की वो पारी कहीं ना कहीं हमेशा ही आईपीएल फैंस और केकेआर फैंस के जहन में रहेगी। सो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिस्ला जितना भी क्रिकेट खेले वो अच्छा क्रिकेट खेले और उसके अलावा वो अपने करियर में जो भी करे उनको सक्सेस मिले। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आप कुछ आईपीएल फॉरगॉटन हीरोज के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।